alaikum everyone. I hope you're all fine. So today we are not going to discuss about any BS program, but we will discuss about a very important and requested program of Pakistan, uh, which is CA, Chartered Accountant. Uh, चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुतल हम तमाम इंफॉर्मेशन जानेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए भी यूज़फुल हो क्योंकि ये बनाते वक्त मुझे भी बहुत सारी न्यू इन्फॉमेसन मिली और जो कि मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए तो स्टार्ट करते हैं और बेसिकली जानते हैं कि सी ए क्या है और इसके अंदर बेसिकली इसका स्कोप मतलब इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सी ए स्टैंड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो डिमांड है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके आगे अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा हो सकती हैं ये डिग्री प्रोग्राम जो है वो इक्वलेंट काउंट किया जाता है एचीसी में मास्टर्स के तो मास्टर्स के इक्वलेंट ये डिग्री प्रोग्राम काउंट किया जाता है इसकी ड्यूरेशन में आप लोगों को नीचे बताऊँगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि इसको मास्टर्स क्यों कहा जाता है अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि सी का जो जॉब uh, रेशो है ना पाकिस्तान में uh, वो ये है कि आप लोगों को कोई ऐसा सी करने के बाद बंदा नहीं होगा जिसको जॉब अपॉर्चुनिटी ना मिले अच्छी फॉर्म में आप लोगों को जॉब अपर्चुनिटी मिल सकती है स्पेशली अगर आप लोग इंटरनेशनल जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से सी ए करके इंटरनेशनल जॉब्स के लिए बाहर बुलाए गए हैं वो फर्दर फ़ॉर जॉब्स के लिए अप्लाई किया था उन्होंने और उनकी रिकमेंडेशन भी हुई है और सिलेक्शन भी हुई है तो सी ए की जो डिग्री है वो बहुत ही डिमांडेड और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स सोचते हैं करने के लिए मगर अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से उनको आइडिया नहीं होता कि किस टाइम अप्लाई करना है कैसे करना है ये रिकग्नाइज डिग्री है भी या नहीं है या इसको करने के बाद ये डिप्लोमा कंसीडर किया जाता है या क्या कंसीडर किया जाता है इस वजह से वो लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं तो आप लोगों को मैंने बताया है कि ए के अकॉर्डिंग सी की जो डिग्री है वो मास्टर्स की इक्वलेंट काउंट की जाती है तो ये तो होगी जी एक ब्रीफ़ डिस्क्रिप्शन सीए के बारे में आगे हम बढ़े तो हम लोग जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और ऐसे अदारे भी है जो के हैं जो कि सीए करवाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो प्रोग्राम है उसको करवाते हैं तो लिस्ट आप लोगों के सामने है मैंने लिस्ट को चार पार्ट्स में ही डिवाइड किया है हमेशा की तरह पंजाब में आप लोग देख सकते हैं कॉमसर्ट्स में करवाया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में करवाया जाता है उसके अलावा स्कैनस में करवाया जाता है स्कैन लाहौर जो कैंपस है फैसलाबाद कैंपस स्कैनज में भी करवाया जाता है एयर यूनिवर्सिटी में करवाया जाता है उसके अलावा बहुत सारी फेमस एकेडमीज़ भी हैं जहाँ पे ये सीए uh, ए का कोर्स जो है प्रोग्राम जो है वो करवाया जाता है आप लोग अपनी स्क्रीन पे गो थ्रू कर सकते हैं इसके अलावा सिंध में भी देखें तो कराची यूनिवर्सिटी में करवाया जाता है आईक्यू यूनिवर्सिटी में करवाई जाती है स्कैम्स कराची कैंपस में करवाई जाती है तो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं uh, बहरियात uh, यूनिवर्सिटी जो है वो इस्लामाबाद कैंपस में भी करवाया जाता है कराची कैंपस में भी सीए की डिग्री जो है वो परफॉर्म करवाई जाती है के पी के में भी आप लोग एक नज़र डालें तो के पी के में भी यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर करवाती है ये सी ए की डिग्री उसके बाद पेशावर में भी के पी के में भी कैंस का एक कैंपस है वहाँ पे वो भी सीए करवाता है क्योंकि कैंस जो है बहुत फेमस है सीए की डिग्री के लिए क्योंकि हर शहर में जो है पाकिस्तान के ऑलमोस्ट उसका एक कैंपस ज़रूर होता है फेमस फेमस सिटीज़ में तो ज़रूर ही होता है तो ये तो हो गई कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो आप लोग देख सकते हैं और अपने हिसाब से जो है अपनी जगह के हिसाब से जो है एडमिशन ले सकते हैं और इस प्रोग्राम को जो है वो ज़रूर कर सकते हैं अच्छा अब ड्यूरेशन की तरफ आते हैं ड्यूरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि इसकी ड्यूरेशन के बारे में मुझे भी आइडिया नहीं था और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं भी होगा अब इसको इक्वल एन टू मास्टर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ़ाइव ईयर ड्यूरेशन का प्रोग्राम होता है थ्री टू फाइव ईयर जो है वो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है ऑप्शन होती है कि आप लोग अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो थ्री टू फाइव ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं मगर इसका जो ड्यूरेशन एक्चुअल होती है वो फाइव ईयर ही होती है अगर आप एज़ अ स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई करते हैं पाँच साल में आप लोग सी करते हैं अगर आप लोग इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई करते हैं तो तो ये तो होगी उसकी ड्यूरेशन अच्छा उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि ऑब्वियसली हम लोग क्या इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई कर सकते हैं या हमें ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है बीए करना ज़रूरी है या हम बी के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं तो ये क्लियर है आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोग इंटरमीडिएट के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इस सी ए के लिए उसके लिए आप लोग फाइव ईयर डिग्री प्रोग्राम जो है इसका प्रोग्राम कोर्स जो है वो करेंगे आ, इसके अलावा आप लोग अगर बी ए करते हैं उसके बाद भी आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट होने के बाद भी इसके अलावा अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करते हैं बैचलर्स करते हैं तो उसके बाद भी आप लोग सी ए का प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप लोग एलिजिबल होते हैं बस आप लोगों को मेरिट क्राइटेरिया देखना होता है ठीक है तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद उसके अलावा मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि सी ए जो है वो दो पार्ट्स में ही डिवाइडेड है ये मैंने पार्ट नंबर वन में भी बताया था uh, मैंने लिखा था बट मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं उस टाइम कर पाई क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से ही बताऊं अच्छा इसके लिए ये होता है कि आप लोगों के जो ये पार्ट है ना सी का जो प्रोग्राम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है जस्ट लाइक पार्ट वन में आप लोग एज़ अ स्टूडेंट प्रोग्राम एज अ स्टूडेंट स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि प्रॉपर Uh, पाँच साल का प्रोग्राम होगा और प्रॉपर तरीके से विद क्लासेस एंड स्टाफ के साथ जो है आप लोग कर सकते हैं इसके अलावा इसका एक ट्रेनी स्कीम भी होती है ट्रेनी स्टूडेंट के तौर पर ट्रेनी पर्सन के तौर पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा इसके अंदर एक और ऑप्शन भी होती है कि आप प्रोबेशन या ट्रेनिंग के तौर पे भी इस इस प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए यही होता है कि अगर एज अ स्टूडेंट करते हैं तो फाइव ईयर करते हैं ट्रेनिंग अगर आप लोग तीन साल की लेते हैं उसके बाद ड्रॉप भी कर देते हैं तो आप लोगों को सर्टिफिकेशन और इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं ठीक है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैं चाहती थी कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ उसके अलावा आप लोगों को बताऊँ कि इसके दौरान जो है इसमें एक टेस्ट होता है ए का ए एफ़ सी का एक टेस्ट होता है वो आप लोगों ने ड्यूरिंग दूर, दिस डिग्री ये ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम भी करना होता है और बिफोर दिस प्रोग्राम भी जो है स्टार्टिंग में भी आप लोगों को इसकी तैयारी करके एफ़ सी का टेस्ट जो है वो क्लियर करना होता है एलिजिबिलिटी के लिए क्योंकि बहुत सारे और भी टेस्ट होते हैं जो आप लोगों को सीए के प्रोग्राम के ड्यूरिंग क्लियर करने होते हैं क्योंकि इसका इसके दो दो ही क्राइटेरिया होते हैं जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया कि पाँच साल का अगर डिग्री प्रोग्राम है तो पाँच सालों के अंदर दो साल आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं रेगुलर एग्ज़ाम्स के लिए और जो भी आप लोगों की क्लासेज अगर होती हैं तो उसके अलावा तीन साल जो है पाँच सालों में से तीन साल जो है आप लोगों की ट्रेनिंग का एक सेशन होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसको आप लोगों ने ट्रेनिंग जिसमें लाजमी लेनी होती है तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ़ीस की अगर हम बात करें तो फ़ीस भी इसकी थ्री पार्ट्स में है जैसे देखें अगर आप स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं तो 18 से उन्नीस हज़ार आप लोगों की फ़ीस होती है अगर आप लोग ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी 24 से पच्चीस हज़ार या चौबीस हज़ार तीन सौ या चौबीस हज़ार चार सौ उसकी फ़ीस होती है थर्ड अगर आप प्रोबेशन पे आते हैं प्रोबेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो फ़ीस है आप लोगों की वो 18 से उन्नीस हज़ार के ही दरमियान होती है 16 सतारह सोलह साढ़े सोलह हज़ार थी ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अकॉर्डिंग अब जो है वो शायद अब 18 16 से 18 के दरमियान आप लोगों की वो फीस होती है तो ये होगी फीस की बात अच्छा आगे हम लोग अगर इसकी मेरिट की बात करें और इसकी रजिस्ट्रेशन का क्योंकि प्रोसेस होता है ये लोग ये उस तरह नहीं होता जैसे हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं डायरेक्टली जाके है, मेरिट पे मगर ये इसके लिए जो है एक रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर प्रोसेस होता है वो प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी उससे पहले मैं आप लोगों को मेरिट बता दूँ कि मेरिट जो है अगर आप लोग इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 50 परसेंट मार्क्स चाहिए होते हैं अपने एजुकेशन के लिए मतलब 50 परसेंट आप लोगों के होंगे तो आप लोग एलिजिबल होंगे आगे सी ए करने के लिए उसके अलावा अगर आप लोग ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करते हैं या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बाद अप्लाई करते हैं बैचलर्स के बाद अप्लाई करते हैं तो 45 परसेंट आप लोगों के मार्क्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं Uh, तो ये हो गई मेरिट की बात अब आप, आप लोगों के अच्छा इसकी रजिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं उसके लिए आप लोगों को तमाम तरफ फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड चाहिए होते हैं उसके बाद अगर हम आगे स्टेप करें तो आप लोगों का रिज़ल्ट कार्ड चाहिए होता है आ, पेमेंट प्रूफ का वो चाहिए होता है कि आप लोगों ने बैंक में जा पेमेंट करवाई है या नहीं पेमेंट प्रूफ उसका चाहिए होता है उसके अलावा जो भी आप लोगों से मांगते हैं सी सी मांगते हैं और कुछ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिजल्ट होते हैं ट्रांसक्रिप्ट होती हैं वो आप लोगों की रिक्वायर्ड होती हैं उसके अलावा एक इक्वलेंस लेटर चाहिए होता है आप लोगों को इसकी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर इक्वलेंस रिलेटर आप लोगों को बनवाना पड़ता है और उसमें जो है वो देना पड़ता है आप लोगों को ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो उसमें ऐड करना होता है उसके अलावा आप लोगों से वो लास्ट ईयर जो भी रोल नंबर होगा ना आपका मतलब अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया है इंटरमीडिएट का जो आपका रियल रोल नंबर होगा वो रिक्वायर्ड होगा वो आप लोगों ने भी देना है वो लिखना है फॉर्म के अंदर ऑनलाइन फॉर्म के अंदर उसके अलावा लास्टली मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं बहुत गौर से और ध्यान से आप लोगों ने देनी है और सॉल्व करनी है जितनी भी डिटेल्स वो आपसे मांगेंगे आपकी नेम ट्रांसक्रिप्ट इक्वलेंस लेटर रोल नंबर स्लिप के बारे में और आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारे ये इस तमाम चीज़ें जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है आपके लोगों की प्रॉपर होनी चाहिए अगर ये नहीं होंगे तो वो कैंसिलेशन का और रिजेक्शन का भी वो लोग बहुत सख्ती से इस चीज़ का ख्याल रखते हैं वो कैंसिल कर देते हैं इस चीज़ को उसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोगों के जहनों में आता है ऑब्वियसली कि सी के मेजर सब्जेक्ट्स क्या होंगे हम लोग इंटरमीडिएट करके आते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं वो सब्जेक्ट अगर कोई बैचलर्स करके आता है और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करके आता है तो उसके लिए थोड़ा सा सेंसिबल होता है वो बंदा और वो इजीली जो है वो उसके लिए भी टफ़ होते हैं थोड़े सब्जेक्ट मगर वो ईज़िली कर लेता है इसको परफॉर्म तो मेजर्स में अगर हम लोग बात करें तो ये मेजर्स कुछ मैंने लिखे हैं आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेल के बारे में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स पढ़ते हैं फंक्शनल मैथ्स पढ़ते हैं बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं कैलकुलस पढ़ते हैं ऑडिट का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तमाम तर टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं आप लोग लिस्ट देख सकते हैं आप लोग एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तमाम तरह सब्जेक्ट को अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा और तो ही आप लोग इसको परफॉर्म करिएगा और इसमें एडमिशन लीजिएगा इसके लिए रजिस्टर कीजिएगा तो ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग सीए के अंदर जो है वो पढ़ते हैं तो ये इस सब्जेक्ट्स के ये फ़ायदा होता है कि देखिए हम लोग ये कैलकुलस जैसे सब्जेक्ट और माइक्रोसॉफ़्ट और ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट और इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं वो हम लोग आईटी में भी पढ़ते हैं बी में भी पढ़ते हैं तो ये बहुत सारी डिग्रीज़ में पढ़ते हैं जो हम एक सी के प्रोग्राम के अंदर कवर करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों के पास स्कोप की और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं वास्ट होती हैं आप लोगों के पास बहुत सहूलत होती है इसके अलावा हम लोग ऑडिट का जो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आ, क्योंकि देखिए बाहर की कि किसी भी फॉर्म में आप जाते हैं किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करते हैं तो ऑडिट की जो फॉर्म होती है वो उसमें सबसे ज्यादा पैसा होता है पैसा कमाने के आप लोगों के पास चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो एक नज़र हम लोग स्कोप्स और स्कोप पे भी डाल लेते हैं जॉब्स अपॉर्चुनिटीज पे भी डाल देते हैं आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि आप लोग फाइनेंशियल चीज़ें हैंडल कर सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैंडल कर सकते हैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी ऑडिट फ़र्म को ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी आई कंपनी को भी आप इवन ज्वाइन कर सकते हैं ज़्यादातर आप लोग ऑडिट का काम संभाल सकते हैं ऑडिट की बहुत ज़्यादा फर्म्स होती हैं पाकिस्तान भर में भी और बाहर भी डेपूटी मैनेजर बन सकते हैं ऑडिट मैनेजर बन सकते हैं उसके अलावा फाइनेंस के तमाम तर चीज़ें जो हैं आप लोग संभाल सकते हैं फाइनेंशियल ऑफिसर बन सक सकते हैं फैनानस के आ, किसी भी हाई डिपार्टमेंट फैनानस डेवलपर बन सकते हैं किसी भी हाई डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं तो सी के पास आप सी के बाद आप लोगों तो के पास बहुत ही वास्ट ऑप्शन होती है जॉब्स के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर यही होता है कि अगर आप सी करते हैं और आप लोग अगर बाहर के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी ऐसी फ़र्म्स होती हैं फिश फर्म्स होती हैं और बहुत कम आई से रिलेटेड ऐसी फ़र्म होती हैं जहाँ पर ऑडिट की ज़रूरत होती है एक ऑडिटर की ज़रूरत हर किसी फर्म में होती है तो वो एक एक रैंक भी उसका थोड़ा हाई होता है और उसकी सैलरी जो है स्टार्टिंग वो भी अच्छी होती है तो ये अपॉरचुनिटी सी के बाद अगर आप लोग गौर से ट्रेनिंग करेंगे इसका ट्रेनिंग का पार्ट जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से लेंगे और इसमें ज़रा प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आप लोगों की स्किल्स पे ही डिपेंड करता है कि आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं इस डिग्री के अंदर बेसिकली इट्स नॉट अ डिग्री इट्स अ प्रोग्राम आई डोंट नो इसको डिग्री भी मास्टर्स की इक्वल कहा जाता है इसलिए मेरे मुँह से डिग्री भी निकल रहा है बेसिकली इट्स अ कोर्स इट्स अ प्रोग्राम तो जो भी स्टूडेंट जो है इंटरेस्ट रखता है वो ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकता है इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकता है मज़ीद डिटेल्स अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको रिटर्न फॉर्म में भी मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो मेंशन कर दूंगी आप लोग लिंक ओपन करके भी इसकी तमाम तर तफसीत जो है वो जान सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मैं दोबारा हाजिर होंगी तब तक के लिए अल्लाफ़